हाँ जी, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर टू दी राइडर्स। यार वैसे किसी ने सच ही कहा है कि तुसी किसी बंदे नु ते पंजाब चो कर सकदे हो जी, पर बंदे चो पंजाब नहीं कर सकदे। वेल आई नो आप भी पंजाब को मिस कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, आज आपको पंजाब घुमाएंगे पर व्लॉग के थ्रू। तो आ जाओ फिर। चलिए, हाँ चलो। ओके, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, कॉज रोड्स गोना बम्पी। A few moments later. हाँ जी, तो बहुत अच्छे हो गए दर्शन। अभी आ गए हम बाहर और हमें दिख गई है मैगी। अब मैगी दिखी है तो सोचा सबके लिए मैगी ले लेते हैं। तो यार ने पार्सल करा ली मैगी और अब जाके होटल में खाएंगे, बिकॉज लगी है बहुत जोर की भूख। तो जी, दरबार साहब से बाहर आकर मैंने ले ली है ऑटो और अंकल ने मुझे हेल्प की है, बिकॉज मेरे पास पैसे भी नहीं थे और अंकल मुझे छोड़ रहे हैं। अंकल जी ना किए था कलवंत सिंह। अच्छा जी, थैंक यू अंकल जी। बस थोड़ी देर में होटल पहुंच जाएंगे, लिए सबके लिए मैगी, मैगी खाएंगे और फिर सो जाएंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। 2000 years later. तो ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप मुझे जानते हैं बस सही काफी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर, द हार्ट ऑफ पंजाब। अभी हम लोग आए भावाला ढाबा पे, जाते हैं अंदर, रोटी वोटी खाते देखते हैं मेरा दोस्त क्या कर रहे हैं। भाई हाँ जी, तो रोटी खा ली हमने भावाला ढाबा के और अब हम आए हैं पार्टीशन म्यूजियम में, सबसे पहला डेस्टिनेशन तो कवर करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि अंदर फोन अलाउड है या नहीं है, बट स्टिल अगर अलाउड होगा तो मैं कोशिश करूंगा जितना आपको दिखा सकूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर भाई नहीं दिखा पाएंगे। आगे कुछ ऐसे दिखता है पार्टीशन म्यूजियम। A few moments later. अभी बाहर निकले हम पार्टीशन म्यूजियम के, बहुत ही प्यारी जगह है। हमें जो चीजें उस वक्त एक्सपीरियंस हुई उसको एक डिजिटल वे में दिखाया गया है थ्रू प्रोजेक्टर, और काफी पुराने लेटर्स थे, यू नो नोट थे और बहुत सारी चीजें थी। अनफॉर्चुनेटली अंदर शूट करना अलाउड नहीं था तो हमने शूट नहीं किया। अभी हम बाहर आ गए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ सारागढ़ी सराय के सामने जो कि ट्रस्ट है। तो ये है जी श्री महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति, ये रोड से होके यहाँ से हमें अंदर जाना है। जो भी गाड़ी है वो गाड़ियाँ यहाँ तक ही होती है, यहीं तक पार्क हो जाती है, इसके बाद गाड़ी अलाउड नहीं करते वो, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ये काफी चेंज हो चुका है, हमें बोला 2015 के पहले कुछ अलग था और अभी ये बिल्कुल अलग हो चुका है। गाइस, आई एम श्योर आपने जो नाइट का व्यू देखा था वो काफी खूबसूरत था, बट मैं अगर बोलूं कि नाइट के व्यू से ज्यादा दिन का व्यू भी खूबसूरत, तो यार वो प्रूफ करने के मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, फिर अंदर जाने से पहले बता दूं कि सामने प्राचीन श्री शनि देव जी का मंदिर है जो काफी पुराना है, और उसके जस्ट सामने आपको दिख जाएगा। फाइनली पहुंच गए, अंदर लेके चलते हैं आपको। पहले शू काउंटर पे जाएंगे, शू निकालेंगे और उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। वैसे अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, बट स्टिल जितना भी होगा मैं ट्राई करूंगा मेरी तरफ से। आ रहे हैं जी हड्डा टोकन। तो जी ये एंट्रेंस है, आपको कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही होगी। अकाल मूरत
जुगाड़ सच है भी सच नानक हुसी भी सच। बहुत टेस्टी है सलमान, क्या तो लग रहा है करते हैं अभी, बाद में मिलते हैं आप। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं जलियांवाला बाग में। वैसे तो हर जगह की अपनी एक खूबी होती है, पर इस जगह की एक कहानी है, तो चलिए आपको उस कहानी से रूबरू कराता हूँ। बात 102 साल पुरानी है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। लोग दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद जलियांवाला बाग घूमने आए थे। उसी वक्त दो लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी और रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा बिठाई गई थी। सभा काफी शांतिपूर्वक थी। इसी दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिचेल ओ डायर का ऑर्डर आता है कि ये सभा को रोका जाए। डायर अपनी पुलिस की फोर्स लेकर अंदर आ जाता है और वो सारे रास्ते बंद कर देता है जिस रास्ते से लोग बाहर जा सके। बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने फायर का ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट में 1650 बुलेट शॉट्स, 1200 लोग इंजर्ड, 1500 लोगों की मौत। ये सरकारी आंकड़ा था जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें भी शामिल थी। कुछ लोग बचने के लिए कुएं में कूद गए तो कुछ दीवार पर चढ़ने लगे। आज भी जलियांवाला बाग में वो बुलेट शॉट्स आप देख सकते हैं। ये सब कुछ एक 20 साल का बच्चा देख रहा था। ये वही बच्चा था जो आगे जाके इतिहास बदलने वाला था, सरदार उद्धम सिंह जी। सरदार उद्धम सिंह जी ने 21 साल इंतजार किया और 1940 में लंदन में जाकर मिचेल ओ डायर को एसेसिनेट किया। ये वही मिचेल ओ डायर है जिन्होंने जनरल डायर को जलियांवाला बाग मैसेकेयर करने के लिए ऑर्डर दिया था। प्यू ने रिक्वेस्ट किया था कुछ लेके आने के लिए, तो प्यू के लिए भी ले रहे हैं हम। अगर प्यू ये ब्लॉग देख रही है तो ये आपके लिए। तो गोल्डन टेम्पल में मत्था टेक लिया हमने और जलियांवाला बाग भी क्रॉस कर लिया। मार्केट में शॉपिंग भी कर ली, सब कुछ हो गया। अभी हम मार्केट के पास ही हैं, आगे जाएंगे हवेली पे। क्या है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। क्या करना है हवेली पे? नॉट श्योर कि अभी हवेली ओपन है या नहीं, बिकॉज इट मे बी गोइंग टू स्टार्ट और क्लोज, बट स्टिल वी आर गोइंग टू ट्राई। प्लीज स्टे ट्यून, सारी अपडेट मिलती रहेगी और बहुत मजा आएगा ब्लॉग। गए जी हवेली पे, शुरू हो गए ना, फोटो वोटो खिंचाना है। भाई नहीं, राज भाई, फवाज भाई, यहाँ पर सब खाना वाना किसने कुछ खाना नहीं, बस बैठ के यहाँ पर पहले ना फोटो खिंचानी है। और आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास कितनी बैटरी पड़ी है, जितना होगा मैं शूट करूँगा, उसके बाद होटल पहुँच के मैं ब्लॉग को क्लोज कर दूंगा। अभी के लिए आप प्लीज़ जो भी क्लिप है आप ये इन्जॉय कीजिए, एंड प्लीज़ कंप्लेन मत करना यार, थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे होगी, वॉइस थोड़े यहाँ वहाँ होंगे, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना आज के लिए भाई, प्लीज़ यार। आज वाग जी जेडे पढ़ाई नहीं करते, राज ते में मास्टर जी डांग पढ़ के बैठे ने, लेडीज टीचर भी हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। पहले घर देखो कैसे होते थे, पुराना फ़ोन रखा हुआ है, टेप रखा हुआ है, ये देखो कैटल, इससे पहले हुआ करते थे आप भांडे पीतल दे। पैसा बर्बाद।
क्या गुंडा बनेगा रे तू? घूम दे, थैंक यू। One hour later. हाँ जी भाई, अब भी पहुँचे हैं। टाइम हो रहा है 11:55। बहुत लेट हो गया। हम जब लास्ट हवेली में थे, मैं शूट कर रहा था, GoPro की बैटरी डाउन हो गई, फोन की बैटरी डाउन हो गई। बस फोन था लेकिन किसी के पास पावर बैंक नहीं था, विच वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड। बट हाँ, अब हम कल का ब्लॉग नया बनाएंगे और इस ब्लॉग को एंड करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं अभी वापस आया हूँ आपको बताने के लिए यार कि आज हमने बहुत मस्ती की है। और जितना भी मस्ती की है, जितना भी कुछ किया ना, सब कुछ आपको ये ब्लॉग में देखने मिलेगा। आई होप यू लाइक योर वीडियो। इफ यू डू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दी लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबको बता दो कि रामप्रीत धनवार अच्छे ब्लॉग बनाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हाटएवर यू डू, बी यू। I'll see you next vlog. Till then, keep smiling, keep riding, keep your city clean. Bye bye, Allah Hafiz, and Rab Rakha.